दोस्तों, क्या आपको 11,000 रुपये में एक परफेक्ट स्मार्टफोन चाहिए? तो आज का ये वीडियो देखिए। आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं, फर्स्ट इंप्रेशन शेयर करने वाले हैं इन्फिनिक्स हॉट 11S का। ये फोन दोस्तों 11,000 की रेंज में परफेक्ट फीचर्स के साथ आता है और इस फोन में वो सारी चीजें हैं दोस्तों जो 11,000 के फोन में हम उम्मीद करते हैं। और रियलमी, शाओमी और जितने भी कॉम्पिटिटर है ना, सबको यहाँ पे जबरदस्त टक्कर दे दी है, बल्कि सबको बीट कर दिया है। सो फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन इन्फिनिक्स हॉट 11S का। सो कुछ इस तरह का बॉक्स आपको देखने को मिलता है। बॉक्स का डिज़ाइन इस बार थोड़ा सा अलग है पिछले जितने भी इन्फिनिक्स के फ़ोन आते थे। उसके अलावा यहाँ पे इन्फिनिक्स हॉट 11S लिखा हुआ है और हीलियो G88 को हाईलाइट किया गया है। यहाँ पे आपको फुल HD प्लस 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है, तो उसको भी हाईलाइट किया गया है। तो फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं बॉक्स के कंटेंट में क्या देखने को मिलते हैं। फिलहाल अगर देखा जाए दोस्तों आज की डेट के हिसाब से, तो ये 11,000 रुपये में बेस्ट फ़ोन बन जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें दोस्तों इसमें परफेक्ट आपको देखने को मिलती है। तो ऑन द पेपर तो सब कुछ अच्छा लगता है। देखते हैं बाकी हमारे पास कौन सा कलर आया है। तो ये ग्रीन वाला कलर हमारे पास आया है और ये कलर ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। बाकी इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमें एक चार्जर देखने को मिल जाता है जो कि 18 वाट का है। इसके अलावा एक टाइप सी केबल देखने को मिल जाता है। उसके अलावा सिम इजेक्टेड टूल और एक डॉलर टाइप का वेलकम कार्ड देखने को मिल जाता है। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, तो इनको भी साइड में रखते हैं। हाँ, साथ में आ जाता है एक कवर। कवर की क्वालिटी के बारे में बात करें तो ठीक ठाक क्वालिटी का कवर आपको देखने को मिल जाता है, ट्रांसपेरेंट है। और लास्ट में दोस्तों हमें एक स्क्रीन गार्ड भी देखने को मिल जाता है। सो ये है पूरे बॉक्स की कहानी। अब हम फ़ोन की तरफ आते हैं दोस्तों। सो ये पहले जो स्टिकर्स हैं उनको हम हटा लेते हैं। ये पहला स्टिकर हटा लिया मैंने। डिज़ाइन अगर देखा जाए दोस्तों तो काफ़ी धमाकेदार डिज़ाइन लग रहा है। यहाँ पे जो कैमरा है 50 मेगापिक्सल का सेंसर लगाया गया है और कैमरा मॉड्यूल दोस्तों काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे जो डिज़ाइन है दोस्तों वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव दिया गया है। इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है। पीछे ट्रिपल कैमरा का सेटअप है, साथ में आपको क्वाड LED फ्लैश देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ फिंगरप्रिंट स्कैनर है। अब जो है हम आगे का स्टिकर भी हटाते हैं। यहाँ पे भी कुछ हाइलाइटिंग स्पेक को मेंशन किया गया है, ये हटा लिया मैंने। और अब फ़ोन को ऑन करते हैं। सो फ़ोन हमने सेटअप कर लिया है और डिस्प्ले देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लग रही है। फुल HD प्लस की डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। पीछे का डिज़ाइन दोस्तों क्या बताऊँ, बहुत ही खूबसूरत है। अब इसके केस को थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं, फिट कैसा आता है। जी हाँ, अच्छी तरह से फिट आ जाता है। फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक मैंने सेटिंग कर लिया, एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो फिंगरप्रिंट तो बहुत फास्ट है दोस्तों, टच करते ही खुल जाता है। एक बार फेस अनलॉक ट्राई करते हैं और फेस अनलॉक भी दोस्तों सुपर फास्ट। अब इसमें दोस्तों आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाता है, तो एक बार यहाँ पर हम लोग ट्राई कर लेते हैं कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी देखने को मिलती है। साउंड क्वालिटी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त मिलती है, आपने जैसा सुना, क्योंकि इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर है और आज की डेट में बहुत कम ऐसे फ़ोन है दोस्तों जिसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाता है, तो ये भी इस फ़ोन की एक खासियत है। इसके अलावा बाकी और चीज़ों की बात की जाए दोस्तों, तो राइट साइड में दोस्तों आपको पावर बटन देखने को मिल जाता है, वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिल जाते हैं। लेफ्ट साइड में देखा जाए तो यहाँ पे सिम ट्रे दिया गया है, तो एक बार निकाल के देख लेते हैं। सकते हैं डुअल सिम प्लस माइक्रो SD कार्ड स्लॉट आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ऊपर की साइड में देखा जाए तो ऊपर की साइड में कुछ भी नहीं है। नीचे की साइड देखा जाए तो 3.5 mm ऑडियो जैक, माइक, उसके बाद USB टाइप सी पोर्ट और स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाता है। सो डिस्प्ले से शुरुआत करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको 6.78 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और यहाँ पे दोस्तों सिंगल पंच होल है और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इसमें दिया गया है और साथ में एनर्जी ग्लास का प्रोटेक्शन भी आपको देखने को मिल जाता है इसके डिस्प्ले में। इसमें दोस्तों आपको वीडियो वगैरह देखने में काफ़ी मज़ा आएगा क्योंकि डिस्प्ले काफ़ी बड़ी है, इस वजह से वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा मिलता है इसमें।
इसके अलावा इसके बैक साइड के बारे में बात की जाए तो ये भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। हालांकि पीछे आपको पॉलीकार्बन बॉडी देखने को मिलती है और पीछे ट्रिपल कैमरा का सेटअप है जिसमें प्राइमरी सेंसर दोस्तों आपको 50 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है और साथ में दो और लेंस है 2 मेगापिक्सल के और आपको क्वाड LED फ्लैश भी देखने को मिल जाता है। सो अगर हम कैमरास के ऊपर देखें तो ये कुछ फोटोज़ है दोस्तों जो रियर कैमरा से लिया गया है और अगर आप फोटो की क्वालिटी देखें तो आप बिल्कुल भी शिकायत नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़बरदस्त क्वालिटी का फोटोज़ आपको देखने को मिल जाता है इसके रियर कैमरा से। रियर कैमरा का फोटो दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके अलावा कुछ नाइट फोटोज़ भी है दोस्तों। नाइट फ़ोटो की आपको मैं क्या बात करूँ, बहुत ही बेहतरीन नाइट फ़ोटो इसका फ़ोन से आ जाता है दोस्तों और ये फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं जहाँ पे डिटेलिंग भी दोस्तों काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। बाकी फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरा से भी आप डिसेंट फोटोज़ ले सकते हो। फ्रंट कैमरा उतना तगड़ा नहीं है जितना आपको रियर कैमरा देखने को मिल जाता है, लेकिन ओवरऑल कैमरा के मामले में दोस्तों ये फ़ोन जो है काफ़ी बेहतरीन है। इसके अलावा फ़ोन से जो है आप 2K में दोनों साइड से, फ्रंट और रियर दोनों साइड से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, आपको एक स्पेशल फीचर मिलता है इसके कैमरास में जहाँ से आप बोके वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो दोस्तों, फ्रंट और रियर दोनों साइड से। दोस्तों फ्रंट और रियर दोनों साइड से आप बोके वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, तो आप देख सकते हो किस तरह का बोके वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो आप और बैकग्राउंड किस तरह ब्लर हो रहा है वो भी आप देख सकते हो। ये काफ़ी कूल फीचर है दोस्तों और 11,000 की प्राइस में दोस्तों आपको ये फीचर देखने को मिल जा रहा है, जबकि काफ़ी महंगे महंगे फ़ोन में भी ये फीचर आपको देखने को नहीं मिलता है। अब अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो डे टू डे यूज़ में दोस्तों आपको काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस मिलने वाली है इस फ़ोन से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी और 90 हर्ट्ज़ का स्मूथ रिफ्रेश रेट भी आपको देखने को मिल जाता है। और अगर आप गेमिंग वगैरह करेंगे तो गेमिंग भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो एक बार BGMI हम लोग एक बार ट्राई करते हैं कि कौन कौन से सेटिंग में हम BGMI खेल सकते हैं इस फ़ोन में। वेल, डे टू डे यूज़ में दोस्तों फ़ोन को यूज़ करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। सो हमने BGMI स्टार्ट कर लिया है तो एक बार सेटिंग्स चेक कर लेते हैं कौन कौन से सेटिंग्स में हम लोग खेल सकते हैं। तो ग्राफिक्स में आ गए यहाँ पे HD में, हाई सेटिंग्स में मैक्सिमम आपको ऑप्शन देखने को मिलता है और स्मूथ में अल्ट्रा का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो एक बार स्मूथ में अल्ट्रा ट्राई करते हैं और देखते हैं स्मूथ अल्ट्रा में कैसी परफॉर्मेंस मिलती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों गेम कितनी स्मूथ चल रहा है, देखिए वाह बहुत ही स्मूथ चल रहा है दोस्तों गेम, बेहतरीन। दोस्तों अगर आपको इस फ़ोन का फुल गेमिंग रिव्यू देखना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम इसका फुल गेमिंग रिव्यू करेंगे। और अब दोस्तों HD में ट्राई कर लेते हैं, HD में हाई सेटिंग्स पे। चलिए HD में हाई सेटिंग्स में देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस मिलती है। तो यहाँ पर भी दोस्तों काफ़ी स्मूथ लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं लग रही है, गेम स्मूथ रन हो रहा है। बैटरी लाइफ की बात करें तो यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, 18 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है दोस्तों। और ये फ़ोन लगभग मैं कल से यूज़ कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे बैटरी जो है काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। इजीली दोस्तों हैवी यूज़ करेंगे ना तो आपको एक दिन का बैटरी बैकअप तो मिल ही जाएगा इसमें, और अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हैं तो लगभग 1.5 दिन का बैटरी बैकअप आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाएगा। इस फ़ोन में दोस्तों XOS 7.6 है और साथ में आपको एंड्रॉयड 11 देखने को मिल जाता है। ये UI जो है ना दोस्तों आप अगर यूज़ करोगे तब जाके आपको पता चलेगा इसमें कितने सारे प्रीमियम फीचर दिए गए हैं दोस्तों। YouTube का बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हैं इसमें, इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे और भी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको किड मोड देखने को मिल जाता है, डिजिटल वेलबिंग का फीचर देखने को मिल जाता है और कुछ स्पेशल फीचर्स भी हैं दोस्तों, जैसे सोशल टर्बो हो गया दोस्तों जहाँ पे आप जो है ना व्हाट्सएप में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि वॉइस चेंज करके लोगों से बात कर सकते हैं, वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो में ब्यूटी मोड ऑन करके जो है आप अपने वीडियो क्वालिटी को और भी इन्हेंस कर सकते हैं दोस्तों, और भी इस तरह के बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और कॉल जो है दोस्तों वीडियो कॉल भी रिकॉर्ड कर सकते हैं आप, गेमिंग मोड देखने को मिल जाता है यहाँ पे, डार्लिंग का फीचर देखने को मिल जाता है दोस्तों जो गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी आपका बढ़ा देता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि एक्स क्लोन हो गया, एक्स हाइड हो गया जिससे आप कोई भी चीज़ को हाइड कर सकते हैं और एक्स क्लोन से किसी भी ऐप का जो है एक क्लोन बना सकते हैं।
तो ये सारे यूज़फुल फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए दोस्तों, तो मेरे फर्स्ट इम्प्रेशन में मैं बस यही कहूँगा, ये फ़ोन मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा अपने प्राइस पॉइंट पे। और अभी मुझे नहीं लगता है कि 11,000 की प्राइस में इससे बढ़िया फ़ोन आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट देखने को मिलती है। और इस फ़ोन को अभी की डेट में कोई भी फ़ोन बीट नहीं कर पाता है। फ्यूचर में हो सकता है कि Realme या फिर Xiaomi का कोई फ़ोन आए जो इसको टक्कर दे सके, लेकिन अभी के प्राइस के हिसाब से दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा, अगर 11,000 में आपको कोई फ़ोन लेना है जहाँ पर अच्छी बैटरी, अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छा कैमरा चाहिए और अच्छे डिस्प्ले चाहिए, तो इस फ़ोन के साथ आप इजीली जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें बैलेंस करके दी गई है। नो डाउट ये वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन है 11,000 की रेंज में आज की डेट के हिसाब से। बाकी दोस्तों आपको ये फ़ोन कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आने वाले किसी वीडियो में, तब तक के लिए इन्जॉय करें। Check you got the sound.